हवाई जहाज़ जो इस्तेमाल हुआ वो एक छोटा सिंगल इंजन जहाज़ था, जिसमें सवार था उसका पायलट ब्रूस और उनके वालिद और उनके बिजनेस पार्टनर। ये वाक्या है 4 दिसंबर 1970 की एक सुबह का। बरमूडा ट्रायंगल, जो कि एक तकोन नुमा बदनाम इलाका है, अगर हम बरमूडा आइलैंड, पोर्टोरिको और मियामी को आपस में सीधी लाइन से जोड़ें तो हमें एक तकोन नुमा नक्शा मिलता है, जो कि जाना जाता है बरमूडा ट्रायंगल के नाम से। इसकी बदनामी की वजह इसमें हैरत अंगेज तौर पर गायब होने वाले तकरीबन 2000 समंदरी जहाज़ और 200 हवाई जहाज़ हैं, जिनका आज तक पता नहीं चल सका कि उनके साथ बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या हुआ कि वो सफ़ा हस्ती से गायब हो गए। ब्रूस, जो कि इस ख़तरनाक इलाके के पास से हवाई जहाज़ उड़ाता हुआ जा रहा था, मगर ये उनके लिए कोई नई बात ना थी, क्योंकि वो पहले भी बहुत बार ये सफ़र कर चुका था और हवाई जहाज़ उड़ाने में महारत रखता था। उन्हें आमतौर पर इस सफ़र में 1 घंटा और 30 मिनट लगते थे, मगर इस दफ़ा उन्हें रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो सकता था। ब्रूस ने जैसे ही जहाज़ को टेक ऑफ किया, तभी से अजीब चीज़ें होना शुरू हो गईं और 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे तो उनके सामने एक काला रंग का बादल नज़र आया, मगर इस बादल में कुछ अजीब बात ऐसी थी कि ये उन्हें अपने सामने बड़ा होता महसूस हुआ। ये उन्हें इसलिए नहीं महसूस हुआ क्योंकि वो उसके पास जाते जा रहे थे, बल्कि ये हकीकतन अपने साइज़ में बड़ा होता जा रहा था। ब्रूस को और रास्ता नज़र ना आते हुए इसी बादल में से गुजरना पड़ा और वो दूसरी तरफ से बिल्कुल सही सलामत निकल आए, मगर उन्हें दोबारा से एक और बड़ा काला बादल सामने नज़र आया, जो कि 11,500 फीट की ऊंचाई पर था और ये पहले वाले से कई गुना बड़ा था। ब्रूस के पास और कोई रास्ता ना था तो उन्होंने लंबी सांस ली और हिम्मत करके काले बादल के अंदर दाखिल हुए। अंदर जाते ही एकदम बिल्कुल अंधेरा हो गया, सूरज की एक भी किरण नज़र नहीं आ रही थी। ये एक तूफ़ानी बादल भी नहीं था क्योंकि इसमें बारिश नहीं हो रही थी। ब्रूस ये देखकर परेशान हालत में थे कि तभी अचानक एक धमाकेदार आवाज़ के साथ सामने सफ़ेद रोशनी नज़र आई। ये कोई बिजली नहीं थी जो बादल में गरज रही थी, ये इतनी रोशन झलकियाँ थी कि जहाज़ के इर्द गिर्द की तमाम जगह रोशन हो रही थी। ब्रूस हिम्मत करके जहाज़ को सीधा उड़ाते रहे, तभी उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये वही बादल नुमा चीज़ है जो पहले उनके रास्ते में आई थी। ये देखते हुए अब उन्हें और ज़्यादा परेशानी और हैरत हुई। अब ये बादल नुमा चीज़ एक सिलेंडर नुमा शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और ब्रूस इस बीच में से अपना जहाज़ उड़ाते हुए जा रहे थे। इसकी लंबाई तकरीबन 1 माइल थी, मगर ये ना ख़त्म होने वाली लग रही थी। ब्रूस काफ़ी टाइम से सीधा उड़ते जा रहे थे, मगर इसके आखिर तक नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उन्हें अपना सामने सूरज की रोशनी नज़र आने लगी। उन्होंने उसका रुख किया, मगर जैसे जैसे वो उसकी तरफ जा रहे थे, उन्हें अपने इर्द गिर्द के बादल पास आते महसूस हुए। ये सब देखते हुए उन्होंने अपना फोकस उस रोशनी की तरफ रखा, मगर वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होती सी लग रही थी। अगले 22 सेकेंड ब्रूस की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सेकेंड्स थे। उन्हें बादल एक भंवर जैसी शेप में इर्द गिर्द महसूस हुआ। उनके जहाज़ का कंपास और मीटर सब की सुइयाँ अजीब हिलने लगीं और उनके हाथ की घड़ी की भी सुई सही काम नहीं कर रही थी, मगर वो फिर भी इस रोशनी की तरफ बढ़ते गए और आखिरकार वो उसमें से जैसे बाहर निकलने में कामयाब हुए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनको किसी ने पकड़ा हुआ था और वो अब आज़ाद हो गए हैं। और जैसे ही सब वापस से ठीक होने लगा, उन्होंने अपने कंट्रोल टावर से रब्ता किया तो उन्होंने जो अगली बात की उसे सुन के सब हैरान हो गए। कंट्रोल टावर ने उन्हें बताया कि उनका जहाज़ रेडर में नज़र नहीं आ रहा, ऐसे जैसे वो गायब हो गया है। उन्हें अभी टेक ऑफ किए 40 मिनट ही हुए थे और अभी आधा रास्ता बाकी होना चाहिए था।
मगर जैसे ही जहाज के आगे से बादल हटा, ब्रूस को अपने सामने अपनी मंजिल नजर आई, जो कि मियामी बीच थी। कंट्रोल टावर ने भी कंफर्म किया कि उनका जहाज की लोकेशन मियामी बीच आ रही है अब रेडर में, जो कि नामुमकिन बात थी। ब्रूस के जहाज की रफ्तार 180 मील पर आर थी और उनके सफर 250 मील का था, मगर अगर हम हिसाब करें तब मालूम होता है कि यह नामुमकिन बात है कि 250 मील का सफ़र इतनी जल्दी कर लिया जाए। इसके अलावा जब ब्रूस ने अपना फ्यूल टैंक देखा तो उसमें अभी भी आधे से ज़्यादा फ्यूल मौजूद था, जबकि पहले तो ये तकरीबन ख़त्म हो जाता था इसी सफ़र में। इस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि ब्रूस के जहाज ने तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र स्किप कर दिया था। ब्रूस ने इस वाक्य के बाद बहुत से एक्सपर्ट से बात की, मगर किसी को भी इस वाक्य की असल वजह नहीं मालूम हुई। कुछ का कहना था कि ये किसी डार्क एनर्जी की वजह से हुआ था जो कि उस बादल में मौजूद थी, और उस वजह से ब्रूस वक्त में आगे चला गया था जब वो उस बादल में दाखिल हुआ। ब्रूस ने इस सब पर एक किताब भी लिखी, मगर इस सब के बीच असल वजह अभी तक मालूम ना हुई। बरमूडा में होने वाले वाक्यों में से ये सबसे ज़्यादा खौफनाक वाक्य है। 1945 में बरमूडा में 5 जहाज एक साथ उड़ान भरते हुए गायब हो गए। 1945 में 5 ट्रेनिंग करते हुए जहाज लापता हो गए, जिसमें से एक उनके उस्ताद भी थे जो के बहुत महारत रखते थे और जाने माने पायलट थे। कुछ लोगों का कहना है कि उनका फ्यूल ख़त्म हो गया था शायद, मगर एक महारतकार के साथ ऐसा होना नामुमकिन है। 1948 में एक मुसाफिर जहाज जो कि पोर्टोरिको से मियामी जा रहा था, अचानक से बीच में लापता हो गया। इसने मौजूद 29 सवारियां और 3 जहाज पर काम करने वाले लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इस जहाज की गुमशुदगी और इस जैसे अनगिनत और जहाज की गुमशुदगी अभी तक एक मिस्ट्री है जिसे कोई हल नहीं कर सका।